गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक है मिसेलियस, मिसेलियस टॉपिक है, मिश्रित है, ये मिक्स टॉपिक है। आज हम लेंगे पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, किस तरह से जो हमारा पॉलन ग्रेन है और जो पिस्टिल है, अंडप, ये कार्पेल है, गाइनोसियम का जो पार्ट है, जो कि यूनिट है, उसके बीच किस तरह से इंट्रैक्शन होती है जब पॉलन ग्रेन वहां पहुंचता है। उससे पहले कुछ रिमेनिंग, थोड़ा सा पहले एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन जब हम स्टडी कर रहे थे तो उसमें दो छोटी सी चीजें छूट गई थी, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। ये है जो रिमेनिंग हमारा बच रखा है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन हम जब पढ़ रहे थे कि ऑर्निथोफिली, जूफिली, एंटमोफिली, हाइड्रोफिली, चिरेप्टोफिली, मेलिकोफिली, उसमें एक छूट गया था थोड़ा सा, मिरमेकोफिली। मिरमेकोफिली पॉलिनेशन जब होता है, जब पॉलन ग्रेन्स मेल पार्ट से फीमेल पार्ट की ओर जाते हैं, हेल्प करता है वो आंट्स, चींटियों द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, रूबिएसी फैमिली में ये पॉलिनेशन पाया जाता है, ये पॉलिनेशन। एक है जूफिली, ब्रॉड सेंस में हम अगर एंटमोफिली से लेकर एंटमोफिली, ऑर्निथोफिली, चिरप्ट्रोफिली, मिरमेकोफिली, मेलिकोफिली, ये सब देखें तो ये सारे एनिमिलिया के मेंबर्स हैं। बट जूफिली को हम मेनली जो वर्टिब्रेट्स होते हैं हमारे कशेरुकी, अगर इंसेक्ट को छोड़कर बाकी इसमें हम सारे बर्ड, जो हमारा बैट हो गया, बर्ड्स हो गया, ये वर्टिब्रेटा के मेंबर, वर्टिब्रेट्स हैं ये, कॉर्डेटा के मेंबर हैं ये, तो उनके द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, मंकी द्वारा पॉलिनेशन होता है, कहीं कहीं बंदरों द्वारा, तो उसको हम जनरली जूफिली बोलते हैं। वैसे सारे ये जंतु हैं, सबको भी ले सकते हैं इंक्लूड, लेकिन स्पेशली क्योंकि इंटमोफिलस पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिनेशन है, इसलिए हम इंटोमोफिलस को हटा के बाकी जितना पॉलिनेशन है वो जूफिली में उसको, मेनली वर्टिब्रेट्स का, मिरमेकोफिली भी, आंट ये भी, अदर इनको छोड़कर जूफिली में मीन्स वर्टिब्रेट द्वारा जो पॉलिनेशन हो रहा है उसको हम, जो स्पेशल पॉलिनेशन है बस वर्टिब्रेट द्वारा हो रहा है उसको हम जूफिली के अंदर हम ले सकते हैं जंतुओं द्वारा। वैसे हम जंतु में सबको ले सकते हैं, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं कि जूफिली मीन्स वर्टिब्रेट्स द्वारा, मंकी द्वारा पॉलिनेशन हो रहा हो, चमगादड़ बैट द्वारा हो रहा हो, और उसको हम जूफिली के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि इंटोमोफिलस एक ब्रॉड पॉलिनेशन है जो बहुत हेल्प करता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिनेशन है इंसेक्ट, उसको हम अलग ही इसको हम स्टडी करते हैं। तो ये दो चीजें थोड़ा छूट रखी थी समझने के लिए, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है। अब है इसमें, आज का जो टॉपिक है वो दो तीन टॉपिक हम इसमें इंक्लूड करेंगे, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। जब हमारा पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर चल जाता है, मूवमेंट हो जाता है उसका, तो किस तरह से इंट्रैक्शन होता है उसका। सबसे इंपॉर्टेंट है जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे तो वहां जर्मिनेट होते हैं, कहीं कहीं पॉलन ग्रेन पहले ही जर्मिनेट, पॉलिनेशन से पहले ही जर्मिनेशन उनका शुरू हो जाता है। तो जो हमारा स्टिग्मा दो चीज करता है, एक सेलेक्शन और रिजेक्शन। या तो वो उस पॉलन ग्रेन को सेलेक्ट करे, अगर उसको लगा कि ये मेरी स्पीसीज का है, क्योंकि पॉलन ग्रेन तो जब विंड पॉलिनेशन हो चाहे इंसेक्ट पॉलिनेशन है, इंसेक्ट को पता थोड़ी कि किसका पॉलन ग्रेन मैंने किस फूल में ले जाना है, किस फ्लावर का पॉलन, वो तो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहा है, फ्लावर्स में नेक्टर के लिए, शेल्टर के लिए, खाने के लिए, वो तो इधर उधर दौड़ रहा है फूलों के बीच, लेकिन वो काम किसका, स्टिग्मा का है कि वो सही पॉलन ग्रेन को सेलेक्ट करे और गलत को रिजेक्ट करे। तब वहां अगर सही होगा तो जर्मिनेशन होता है, नहीं होता तो जर्मिनेशन स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन का नहीं हो पाता है। एक दूसरा टर्म हम इसमें, इससे पहले हम एक टर्म यहां पे लिखा मैंने, पेलिनोलॉजी, जो पॉलन ग्रेन की स्टडी होती है, एक साइंस है, ये भी एक सब्जेक्ट है, उसको हम बोलते हैं पेलिनोलॉजी, परागकण का विज्ञान, उसको हम बोलते हैं पैलेनोलॉजी, अध्ययन, परागकणों का अध्ययन जो कहलाता है, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज नोन एज पैलेनोलॉजी। इसमें हम उन प्लांट्स के बारे में भी स्टडी करते हैं जिनमें पॉलिनेशन पॉलन के थ्रू होता है, और किस तरह से होता है, कब कौन से सीजन होते हैं, सारा हम इस पैलेनोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो ये हम सेलेक्शन और रिजेक्शन करता है, पैलेनोलॉजी हम समझ चुके हैं। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन में हम देख रहे हैं कि जो स्टिग्मा है, वर्तिकाग्र है, ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, तो ये जो स्टिग्मा है ये हमारा, ये पॉलन ग्रेन या जर्मिनेशन होने, जब यहाँ पे सारे डिपॉजिट हो जाएंगे पॉलन ग्रेन जिस भी एजेंसी के थ्रू, चाहे वो विंड द्वारा हो या एंटमोफिलस हो या
उसी फ्लावर का हो, कोई दूसरे फ्लावर आ गया तो उसको रिजेक्ट किस तरह से करना है, अपने फ्लावर वाले को किस तरह से हमें जर्मिनेट करना है, या जब अंदर मेच्योर हो गया, अगर माना बात सारे अंदर ओव्यूल सारे पोलन ग्रेन हम सफिशेंट हमारे पोलन ट्यूब अंदर जा चुके हैं, तो उसके बाद जब जर्मिनेशन होगा उसके बाद जर्मिनेशन नहीं होगा, ये किस तरह से देखना है, स्टिग्मा का काम होता है, सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब कभी कभी क्या होता है, हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, हम क्या करते हैं ताकि हमें अच्छी प्रोजेनी मिले, हम दो प्लांट्स को देखते हैं, हम चाहते हैं दोनों प्लांट्स के करेक्टर मिक्स हो जाएं, जुड़ जाएं, ज्वाइंट हो जाए, अच्छी हमें जनरेशन मिले, उसके लिए हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। मन इंड्यूस्ड है ये, हमारे द्वारा क्या हो, हम इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट इसमें टर्म है इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन रिमूवल ऑफ एंथर्स। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, हम हमको लग रहा है कि इसमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन होगा, हम क्या करते हैं उसका मेल पार्ट हटा देते हैं, ताकि हम जो डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन है जिनको हम चाह रहे हैं उसके ऊपर हम उनको डिपॉजिट कर सकें, उनका जर्मिनेशन करा सकें, और उसके बाद हम बैग लगा देते हैं उस फ्लावर के ऊपर। स्टार्टिंग में हमने क्या किया, हमारा ये हमारा फीमेल पार्ट है, ये हमारे क्या है, ये मेल पार्ट है एंथर, इनको हमने हटा दिया और ये फीमेल पार्ट के ऊपर बैग लगा दिया, बैगिंग उसको बोलते हैं। बैग लगाने से क्या होगा कि जब हम पोलन ग्रेन चाहेंगे तभी उसके अंदर डाल सकते हैं, वरना कोई भी पोलन ग्रेन जो अगर नेचर द्वारा आ रहा है तो उसमें नहीं जाएगा। हम क्या करते हैं फिर जब हमने देख लिया कि ये स्टिग्मा जो है मैच्योर हो चुका है, हम इस बैग को खोल के इसके अंदर डिजायर्ड पोलन ग्रेन जो हमको जिनको हमें जानकारी दी, जिनको हमें लगता था कि इसके इनको डालने से जो है नई जनरेशन अच्छी पैदा होगी, अच्छे पैदा होगी, जो हम चाह रहे थे जो करना, उन जिन पॉलिन ग्रेन को डालना उसको डाल देते हैं, रीबैग कर देते हैं इसको, फिर से हम बैग से ढक लेंगे ताकि दोबारा से कोई और पॉलिन ग्रेन ना आए। उसके बाद जो सीड बनेगा वो हमारा डिजायर्ड होगा, जो है ओव्यूल के अंदर जो फर्टिलाइज डिजायर्ड होगा, जिसको जिस करेक्टर्स को लेकर हम चाह रहे थे हाइब्रिडाइजेशन कराना या फर्टिलाइजेशन कराना, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। ये प्लांट इंप्रूवमेंट में काम आता है, वैरायटियों को इंप्रूव करना है, उनकी उनके जो करेक्टर्स हैं उनमें सुधार करना है। तो ये एक टर्म है इसमें, क्योंकि ये इससे रिलेटेड था इसलिए मैं इसको यहाँ पे बोला। इसके बाद है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल्स। अब हम जब पोलन ट्यूब का इसका जर्मिनेशन हो गया है, स्टिग्मा में पोलन ट्यूब का अगर जर्मिनेशन हो गया, तो हम एक हमारे पास प्रैक्टिकल भी है 12th में, उसमें हम देखते हैं कि जर्मिनेशन या कहीं आगे भी है ग्रेजुएशन लेवल में होगा, हम जर्मिनेशन कराते हैं पोलन ग्रेन्स का, उसमें सुक्रोज डाल के न्यूट्रिशन डाल के, और जर्मिन पोलन ट्यूब हमें स्लाइड में दिखने लगती है। तो जब हम ये यहाँ पे नेचुरल में भी, क्योंकि हमारे इसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन है, जो हमारा वेजिटेटिव सेल उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन हेल्प करती है, तो उसके थ्रू वो जर्म पोर के थ्रू एक ट्यूब निकलती है, उसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब, दिस इज पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब निकल रही है, इसमें पीछे मेल गैमेट, आगे ट्यूब न्यूक्लियस है, ये ट्यूब न्यूक्लियस जब अंदर जाता है लास्ट के वो रास्ता दिखाने का, मतलब ये डायरेक्ट करता है मेल गैमेट्स को ओव्यूल तक ले जाने में, और बाद में ये खत्म हो जाता है, इसका कोई बाकी कोई काम नहीं रहता, मेन इसका जर्मिनेशन तक इसका काम है, और मेल गैमेटोफाइट को बनाने में इसका काम है, जो ट्यूब न्यूक्लियस जो वेजिटेटिव सेल से बना था, ठीक है। और दो हमारे पास मेल गैमेट आ गए। अब हम आज हम पढ़ेंगे एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, जो आगे पढ़ेंगे हम एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, ओव्यूल में पोलन ट्यूब किस तरह से जाती है, तीन तरीके से। ये हमारा ओव्यूल का माइक्रोपाइल पार्ट है, ये कैलेजा का पार्ट है, ये ओव्यूल का, इस ओव्यूल का ये एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल है, इसमें हम देख रहे हैं। अगर माइक्रोपाइल से जा रहा है पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब अगर माइक्रोपाइल से जा रही है तो उसको हम बोलते हैं दिस इज पोरोगैमी, पोरोगैमी। अगर पोलन ट्यूब कैलेजा से जा रही है तो उसको हम बोलते हैं कैलेजोगैमी, अगर पोलन ट्यूब इंटेगमेंट से जा रही है तो उसको हम बोलते हैं मीजोगैमी, बीस मीजोमिस बीस। तो ये मींस हमारे जो पोलन ट्यूब है तीन तरीके से ओव्यूल के अंदर एंट्री कर सकती है।